ऐसे और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, मैं हर्ष आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे टेक न्यूज के एक और कमाल के फ्रेश एपिसोड में। पहली खबर की बात करें तो ये आ रही है ताइवानी कंपनी एसुस की ओर से। एसुस ने काफी दिनों के बाद अपने कमाल के डिवाइस एसुस आरओजी यानी रिपब्लिक ऑफ गेमर डिवाइस को भारतीय स्मार्टफोन मार्केट में लॉन्च कर दिया। मैं आपको बता दूं, इस आरओजी यानी रॉक के पहले और भी सीरीज आ चुके हैं जो आपको लैपटॉप और साथ ही साथ एसेसरीज देखने को मिलते थे, लेकिन इस डिवाइस को आज लॉन्च किया गया। मैं आपको बता दूं, ये गेमिंग सेंटर के स्मार्टफोन है। यहाँ पे आपको इस डिवाइस में देखने को मिलता है क्वालकॉम का लेटेस्ट स्नैपड्रैगन 845 प्रोसेसर और गेमिंग के लिए तगड़ा जीपीयू आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे एंड्रीनो की ओर से 630। वैसे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है 8GB की रैम 128GB की इनबिल्ट स्टोरेज के साथ, और इसके लिए आपको तकरीबन पे करना होगा 70,000 रुपीज। अगली खबर भी है गेमर्स के लिए। जेटी नूबिया ने अपने नए डिवाइस नूबिया रेड मैजिक मार्स को लॉन्च कर दिया। ये भी एक गेमिंग सेंटर के स्मार्टफोन है, लेकिन काफी हद तक इसकी जो प्राइस है वो कम है, बोले तो वैल्यू फॉर मनी डिवाइस है। एसुस के रॉक फोन यानी रिपब्लिक ऑफ गेमर के मुकाबले बहुत कम प्राइस आपको देखने को मिलता है, और यहाँ पे आपको बेहतर फीचर भी देखने को मिल जाएगा। जस्ट यहाँ पे भी आपको देखने को मिलता है लेटेस्ट प्रोसेसर स्नैपड्रैगन 845। सबसे कमाल की बात यह है कि इसकी जो प्राइस है वो बहुत कम है, तकरीबन 35,000 रुपए के आसपास में आपको देखने को मिल जाएगा 10GB की रैम 256GB की इनबिल्ट स्टोरेज के साथ। अगली खबर पे नजर डाले तो ये आ रही है चाइनीज कंपनी ऑनर की तरफ से। ऑनर ने काफी दिनों के बाद अपने नए डिवाइस ऑनर 8C को आखिरकार आज भारतीय स्मार्टफोन मार्केट में पेश कर दिया। यहाँ पे इस डिवाइस की कीमत देखी गई है 12,999 और 11,999। दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं, एक में आपको देखने को मिल जाएगा 4GB रैम 32GB की इनबिल्ट स्टोरेज के साथ, और एक में आपको देखने को मिलेगा 4GB की रैम 64GB की इनबिल्ट स्टोरेज के साथ। यहाँ पे इस डिवाइस में देखने को मिलता है 6.26 इंचेस की 19.5:9 एस्पेक्ट रेशियो वाला एक HD+ डिस्प्ले, 13+2 मेगापिक्सल का ड्यूल रियर कैमरा है, 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है। अगली खबर की बात करें तो ये आ रही है व्हाट्सएप की ओर से। व्हाट्सएप के बीटा वर्जन में एक नया अपडेट देखने को मिला है, जिसके माध्यम से दो नए कमाल के फीचर सामने निकल के आए हैं। एक तो कंसेक्यूटिव वॉइस मैसेज का फीचर है, और जो दूसरा है वो है ग्रुप वीडियो कॉलिंग से रिलेटेड। ग्रुप वीडियो कॉलिंग आज से कुछ दिन पहले आपको व्हाट्सएप पे देखने को मिल गया था, लेकिन इस नए फीचर के साथ आपको इसका शॉर्टकट देखने को मिल गया है। अगली खबर की बात करें तो ये आ रही है साउथ कोरियन स्मार्टफोन ब्रांड सैमसंग की ओर से। सैमसंग के नए डिवाइस J7 Pro से रिलेटेड कुछ रिपोर्ट यहाँ पे देखने को मिल रही है। इस डिवाइस को Android 8.1 Oreo का अपडेट मिलना शुरू हो गया है, कुछ ऐसी जानकारी देखने को मिल रही है। बात करें अगली खबर की तो ये आ रही है चाइनीज कंपनी Oppo की ओर से। Oppo के आने वाले एक और ब्रांड न्यू डिवाइस Oppo R19 से रिलेटेड एक रिपोर्ट यहाँ पे देखने को मिल रही है। बताया जा रहा है कि इस डिवाइस को 2019 के पहले 6 महीने तक लॉन्च किया जाएगा, यानी कि फर्स्ट 6 मंथ में, और साथ ही साथ जानकारी यह भी दी जा रही है कि आने वाले इस डिवाइस में कमाल के प्रोसेसर को यूज किया जाएगा जो आएगा MediaTek की ओर से, जिसका नाम है MediaTek का Helio P80। बात करें अगली खबर की तो ये आ रही है चाइनीज कंपनी Honor की ओर से। Honor के नए डिवाइस Honor 9N में आपको एक अपडेट देखने को मिला है। इस अपडेट के माध्यम से EMUI 8.2 का आपको अपडेट देखने को मिल गया, और साथ ही साथ यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है नवंबर का सिक्योरिटी पैच लेवल। उम्मीद करता हूँ आपको हमारे ओर से दिया गया टेक न्यूज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। आज के इस समाचार के एपिसोड में इतना ही, मिलते हैं आपसे किन एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।